देश में आए दिन दवाइयों के उपलब्ध न होने से मरीजों की मौत का समाचार सुनने को मिल रहा है। हिमाचल में भी मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन गनीमत यह है कि हिमाचल में लोगों की मौत दवाइयों की कमी की वजह से नहीं हो रही। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है दवाइयां बेचने वाले केमिस्ट का, दवाइयां खरीदने वाले तीमारदारों का। देखिए जी, इजीली अवेलेबल है मेडिसिंस तो सारी दवाइयां तो हमारे को सारी फ्री में मिल रही है। जैसे जो भी पर्ची देते हैं केमिस्ट को देते हैं, सारी दवाइयां फ्री है। आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी की माने तो मरीजों को सारी दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग आशा वर्कर के माध्यम से दवाई मरीज के घर तक पहुंचा रहा है। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि कोरोना में लगने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर भी लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। लोगों के बीच में गलत मैसेज आ रहा है कि दवाइयां नहीं है, ये है, वो गलत है। आपके पेशेंट को हर तरह की दवाई जो है सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। केमिस्ट का कहना है कि जो भी दवाइयां मरीजों को कोरोना के इलाज के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी मार्केट में उपलब्ध हैं। कोई शॉर्टेज नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन है या फिर आपकी डॉक्सीसाइक्लिन है, उसके साथ इवरमेक्टासिन लग रही है, तो उसकी तो कोई शॉर्टेज नहीं है। आईजीएमसी में इलाज करवाने आए मरीज के तीमारदार ने बताया कि उनका कजन आइसोलेशन वार्ड में दाखिल है। उनका कहना था कि उन्हें सारी दवाइयां निःशुल्क मिल रही हैं। सारी दवाइयां फ्री मिल रही है, जैसे पैरासिटामोल जितनी भी है, जो भी दवाइयां लगती है फ्री मिल रही है, सारी सारा इलाज फ्री में ही हो रहा है। मरीज के जो भी टेस्ट हो रहे हैं, सारी व्यवस्था जो फ्री में है, सारा इलाज फ्री में चला हुआ है पेशेंट का। कोरोना संक्रमण से लड़ रहे लोगों को दवाइयों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सावधानी बरतना छोड़ दें। इसलिए मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, क्योंकि इलाज से बेहतर है एहतियात। ईटीवी भारत के लिए शिमला से विनोद कुमार पाठक की रिपोर्ट।